जब आजादी का पहले लड़ाई हो रहा था, हम लोग आपस में खंडित होके कोई कृषि में गया, कोई घर में गया, कोई घर में गया, पिछड़ी जाति के हम लोग हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 27% जो है, प्रतिशत जो है, आज हमें रिजर्वेशन कराया। पहले ST ST आयोग था, लेकिन हम लोग पिछड़ा आयोग नहीं था, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद में जीतने के बाद आज हम लोग लगभग 150-160-170 जो पिछड़े संसद वहां पर हम लोग उपस्थित रहते, पिछड़े जाति का। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी जो दोबारा आपका जो कैबिनेट बना, उसमें 27 पिछड़ी जाति लोगों को मंत्री बनाए कैबिनेट में, ये भी एक बड़ा उपलब्धि है। मेरा कहने का मतलब है, अभी माँ लोग, माता लोग, बहन लोग उपस्थित हैं, आज दुनिया में कहीं कुछ भी हो, लेकिन देश की तरफ हम लोग अगर ताके, ये अभी कुछ दिनों में, ज्यादा नहीं 10-12 साल में अमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिला। आज एक मुखिया से लेकर, पार्षद से लेकर, समिति से लेकर, राष्ट्रपति तक महिला, आज महिला कहीं किसी में कम नहीं। अभी हाल ही में जो हमारा राज्यपाल थी, वो आज भी राष्ट्रपति काले शपथ लेगी 10:30 बजे, उसी कार्यक्रम के लिए हमको जाना है। इसलिए महिला को कभी भी कमजोर नहीं समझना। सबसे पहले वाला बात हम बता रहे हैं कि आज लोग जमीन से लेकर आसमां पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। और दूसरी बात है, जो आज हम लोग सरहद बांग्लादेश पाकिस्तान, जहां पर हमारे महिला इंसा सारे के 47 लेके सरहद का, देश का हिफाजत कर रहे हैं, तो आज जहां पर मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति का सब उच्च कोटि का जो हमारे चेयर है, जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च स्थान है, उसको सुशोभित कर रहे हैं, तो इधर बंदूक लगाकर देश का भी हिफाजत बेटी लोग कर रहे हैं। आज हमें ये होना होगा कि समाज में जो भी त्रुटि है, बच्ची लोग पढ़ लेगा, लिख लेगा, जैसे दहेज प्रथा, ये सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि दहेज लेने वाला भूल जाता है कि कल भी मेरा बेटी होगा, फिर हमको भी किसी को देना पड़ेगा, और उसी को भी टॉर्चर होता है। इसीलिए समाज को बंद करना चाहिए, गंदगी जो भी समाज में, उसको आप लोग उखाड़ फेंकेंगे, और जो लोग इसको अनुसरण करेगा उसका खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। हर बृहस्पतिवार को 11 बजे से 3:30 बजे तक, जब तक अंतिम व्यक्ति से नहीं मिल लेते हैं, तब तक हम घर नहीं जाते। मेरा ओरल में 39 बिष्टुपुर में ऑफिस है, 90 वार्ड में हम रहते हैं, कहीं भी हाट बाजार मार्केट हम घूमते रहते हैं, कहीं भी हम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भयम की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहकर, भाई साहब पूरा इतिहास बता रहे आपका बारे में बोल रहे थे, कभी आराम से हम लोग बैठेंगे, सब जानकारी करना भी जरूरी है। और मैं पुनः हमारे आयोग अतिथि को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी मंत्री शक्ति रूप से उपस्थित हुए हैं, कभी भी अपने आप को अकेला असहाय नहीं, आज माए एक ऐसा रूप है, कभी दुर्गा कभी काली बन के समाज को उत्थान किया है, आने वाला समय दुनिया समाज का भी उत्थान अपनी के हाथ में, मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय दुनिया समाज, भारत माता की जय।